Assalamu alaikum, welcome class. Today we are going to discuss triangles with respect to angles. Last class में हमने ये देखा था कि triangle की types according to their sides. हमने देखा था कि अगर किसी की कोई भी side equal नहीं है, सारी sides different है, तो हमने कहा था ये salient triangle है. अगर हमने कहा था कि इसकी सारी sides same है, सारी sides equal हैं, तो वो कौन सी होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल. वो तो थी अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. आज हम देखेंगे कि ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स. तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. सबसे पहले कौन सी है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल इफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90. ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारे जो एंगल्स हैं वो 90 से कम होने चाहिए, तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट ट्रायंगल. आप देख सकते हैं एक 55 का है, एक 75 का है, एक 50 का है. इनमें से कोई एंगल भी 90 से बढ़ के नहीं है, सारे 90 से कम है. यहाँ पर 40 हो गया, यहाँ पर 70, यहाँ पर 70. ठीक है, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स लेस देन 90 हो, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, दूसरी हमारे पास है राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम एक हमारा एंगल 90 का होना चाहिए, कम से कम एक एंगल 90 का होना चाहिए. ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ एग्जैक्टली वन एंगल इज इक्वल टू 90. कम से कम एक एंगल 90 का होना चाहिए, बाकी 40 क्यों 50 क्यों वो हमें कोई नहीं, एक जो है वो 90 का होना चाहिए. अब आप देख सकते हैं कि जो एम एंगल है ये वाला 90 का है, एम एंगल कौन सा है? ये वाला 90 का है. अब ये हमारे पास कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल. ये हाइपोटेन्यूज है, ये उसकी बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर. ठीक है, अच्छा, ए राइट एंगल्ड कैन बी आइसोसेलेस. अब जो राइट एंगल है वो आइसोसेलेस भी हो सकती है, यानी आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, लेकिन तीसरी क्या है? डिफरेंट हो सकती है. सिर्फ हमने ये याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है जिसमें एक से एक एंगल 90 का होना चाहिए. आगे है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल इफ एग्जैक्टली वन एंगल इज ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री. के ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल है वो 90 से बड़ा होना चाहिए. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए. अब आप देख सकते हैं इस फिगर में कि एक ये जो वाला एंगल है ये 120 का है, 90 से बड़ा हो गया. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का है? 105 का, 90 से बड़ा हो गया. तो ये कौन सी है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल. ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या? तो वो इक्विलेटरल नहीं हो सकती, उसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं हो सकती. एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी आइसोसेलेस और सेलेन. तो ऑब्ट्यूज कौन सी होती है? या तो सेलेन होती है या आइसोसेलेस होती है. ठीक है, अच्छा, अब हमने ये याद रखना है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होती हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारी कौन सी आ गई? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. अब उसमें एक्यूट में के जितने भी एंगल्स हैं वो 90 से कम होने चाहिए, जितने भी एंगल्स हैं वो 90 से कम होने चाहिए. और राइट एंगल्ड में क्या है कि एक एंगल कम से कम 90 का हो, बाकी जितने मर्जी हो एक एंगल 90 का होना चाहिए. ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल वो ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, एक एंगल क्या वो 90 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, आगे हम इसमें 4.1 एक्सरसाइज में देखते हैं कि ये कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, इधर देखें, ये पहले वाली कौन सी ट्रायंगल है? आप देख, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसी है ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, तो वो कौन सी होती है? ऑब्ट्यूज. तो ये कौन सी है? ये ऑब्ट्यूज है. ये कौन सी है? ऑब्ट्यूज है. अब दूसरी में देखें, यहाँ पर दो एंगल 60 के हैं, तो तीसरे भी क्या होगा? 60 का. तो ये कौन सी ट्रायंगल है? साइड्स के लिहाज से इक्विलेटरल है, लेकिन एंगल्स के लिहाज से एक्यूट है, क्योंकि इसके सारे एंगल्स वो 90 से कम है. ये वाला यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसे ही है. एक 58 का है, दूसरा क्या है? 37 का. अब 58 और 37 कितने हो गए? 95. कितने हो गए? 95. अच्छा, अब यहाँ पर टोटल एंगल कितने होते हैं? 180. टोटल एंगल कितने होते हैं? 180. अब 180 में से 95 निकालें,
तो कितना बचेंगे? हाँ तो ये वाली एंगल को ये कौन सी होगी? ऑब्ट्यूज, क्योंकि यहां पर एक एंगल 90 से बड़ा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली कौन सी ट्राइंगल है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये 90 का है, ये वाला एंगल कौन सा है 90 का, तो 90 वाले एंगल वाली कौन सी होती है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली एक एंगल 50 का, दूसरा एंगल 40 का, 40 और 50 कितने होगा 90, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? ये भी 90 का, तो ये वाली कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाली एंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल। सो होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, सी यू नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।